तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज के दिन का और पहले व्लॉग का आगाज करते हैं एक प्यारे से दिन से और प्यारी सुबह से। तो चलते हैं अपनी घड़ी की तरफ। आपको आप सभी को मेरा दिल से सलाम अलैकुम। तो ये थी हमारी लास्ट स्टोरी जिसमें हमने अपना तारुफ कराया था, तारुफ यानी इंट्रू हमारा। तो आज हम आपको लेके चलेंगे कुछ नई जगह पर, फंटेस्टिक प्लेस पर। तो आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने उस वीडियो की तरफ। मतलब वीडियो तो यहाँ पे भी बन सकती है गाड़ी में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम जा सकें, घूम सकें और आप लोगों को भी जद्दा की कोई हिस्ट्रिकल जगह या कोई ऐसी जगह दिखा सकें। तो अभी हम निकल पड़े हैं बीच की तरफ। धूप तो काफी पड़ रही है, लेकिन जाकर उधर देखेंगे कि अभी बैठने के काबिल है जगह। तो ये हमने जगह देखी है एक, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अभी जाकर भी वीडियो शेयर की जाएगी। तकरीबन हम पहुंच गए हैं और ये देखें, ये लोकेशन मैं आपको दिखा सकूं। तो ये हमने नॉर्मल पार्किंग लगा दी है साइड में। तो अभी देखते हैं कहीं अच्छे से जहां पे कोई मुश्किल ना हो पार्किंग के। तो गाड़ी हमने पार्क कर ली है, तो अभी निकलते हैं जाकर कहीं बैठते हैं, कोई देखते हैं ऐसी जगह जो हमारे लिए बेस्ट हो। हो भाई साहब, बहुत सुकून, सुनसान जगह, कोई शोर नहीं, सिर्फ चिड़ियों की, परिंदों की आवाज अगर आप सुन सकें तो। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने आपको करवाया था तारफ, तो आज हम निकले हैं बीच की तरफ। ये जद्दा जो जितना भी है ना, ये सारा बीच के अंदर है। तो हम आपको ये एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं, इसमें लोग काफ़ी बैठते हैं शाम को, वो भी तो इतना रश नहीं है। ये वॉक करने के लिए उन्होंने जगह बना रखी है लोगों के लिए, जहाँ पे लोग आए और शाम को और या सुबह को वॉक करें। तो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था और मुझे एक भाई मिले हैं बांग्लादेशी, तो काफ़ी अच्छे हैं। और भाई कैसा है? ठीक है, बढ़िया। और कहाँ से आप? बांग्लादेश से आए। बांग्लादेश से आए, इधर विजिट पे आया यहाँ घूमने के लिए या काम करने के लिए? विजिट पे आया, लेकिन काम करने के लिए आया। हाँ, चलें भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके नसीब अच्छे करें। तो उम्मीद तो यही है कि आप यहाँ पे खुश रहें, हंसते खेलते रहें, अच्छे से ज़िंदगी गुजारें। तो आप लोगों के भाई को ये एक मिली है छोटी सी जगह जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है अभी, वैसे भी असर हुई है। तो अभी धूप है थोड़ी, जैसे ही शाम डलेगी, सूरज डलेगा तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं होगी, इतना ज़्यादा रश हो जाएगा, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होंगी कि पार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये तो एक छोटा सा एक टुकड़ा है जहाँ पे लोग बैठते हैं, सैर तफरी के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि जद्दा जो है सिटी, ये पूरा एक समुंदर के अंदर है। तो बाकी हम आप लोगों के साथ दूसरी जगह भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे साथ दावन किया पिछली वीडियो में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के साथ भी शेयर करें वीडियो। अभी तो धूप भी है और मेरी आंखों में धूप भी पड़ रही है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि
अभी कितना टाइम हुआ है, तकरीबन 5 बज रहे हैं और अभी तक धूप है। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा सूरज नीचे जाएगा 5:30 के करीब, तो यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा आ जाएंगे, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि वीडियो शूट करना मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि फिर यहाँ की जो है रिस्ट्रिक्शन जो है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो सामने आप ये फ्लैग देख रहे हैं, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग है। तो मेरे तो जहन में यही आता है, लेकिन शायद कहीं हो किसी साइड में दुनिया की। तो चलो हम आपको दिखाते हैं आगे। ये इसी तरह का एक, जैसे ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग है मेरा मानना है, तो ऐसे ही एक फाउंटेन है जिसको हम उर्दू में फवारा बोलते हैं, तो वो भी जद्दा में है, इसके थोड़ा आगे जाके है, तो वो भी हम आपको किसी दिन दिखाएंगे। यहाँ पर लोग शाम को फिशिंग करने आते हैं, तो अभी भी कुछ लगे होंगे। वो सामने आप लोगों को अभी कैमरा अगर दिखा सके मेरा, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे आप नहीं कर सकते, जैसे हो गई फेमस पब्लिक प्लेस, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सख्ती से मना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी जो ओपन जगह हैं जहाँ पे लोग आके बैठते हैं नीचे पानी में, तो वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहा नहीं सकते, आप फिशिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, खाना पीना अपना सब माहौल बना सकते हैं, लेकिन नहा नहीं सकते। चलो भाई अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, बहुत टाइम हो गया, और आप लोगों के साथ आज इतना ही। तो गाड़ी में हम आकर बैठ गए हैं, और हमने ये थी आज की स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे साथ रहिए अगली ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।